अब हमारे साथ आएंगे सिद्धिश जी, जिनके 301 मार्क्स आए हैं, और उनसे भी थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं सीए फाउंडेशन से रिलेटेड कि उनका सफर कैसा रहा टॉपर्स के साथ और आगे कैसा रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आइए सिद्धिश जी। हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो हेलो टॉपर्स में तो हेलो बोलते रहो ना, तुम्हें तो रुकना नहीं है, तुम बोलते रहो। टॉपर्स में तो मेरा बहुत अच्छा समय बीता था सर, मुझको ना हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है। जैसे बोलना है इंग्लिश में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में बोल दो, इंग्लिश से भी नेपाली। हाँ चलेगा सर, चलेगा। नेपाली बोल दो। हाँ, मिलता जुलता है, चलो बोलो। हाँ 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 बोलो बोलो। टॉपर्समा त मेरो धेरै राम्रो समय बितेको थियो, यहाँतिर हामीहरू म त एक महिना लेट आएको थिएँ, झन् मेरो साथीहरूले मलाई मोटिभेट गरेर यहाँतिर मलाई बोलायो, यहाँतिर टिचरहरू पनि एकदम कोअपरेटिभ थिए। मेरो अलिकति यहाँतिर सबै टिचरहरूले मलाई धेरै मद्दत गरे, मेरो एक महिनाको ग्याप भए पनि एक्स्ट्रा क्लासहरू गराएर स्पेसली लको टिचरहरू, लको टिचर, एकाउन्टको टिचर, इकोनोमिक्स सबै टिचरहरू मिलेर मलाई कहिले पनि ब्याकवर्ड फिल हुन दिएनन्। इकोनोमिक्समा राकेश सरले हामीहरूलाई क्लासमा टेस्ट गराइ गराइ कहिले पनि यस्तो फिल भएन कि इकोनोमिक्समा के हामीले प्रब्लम हुन्छ भनेर। एकाउन्ट्समा अविनाश सर त हामीलाई हँसाउँदै खेलाउँदै रुलाउँदै एकदम मस्तीमा क्लास गराउँदै सब कन्सेप्ट एकदम खतरा खतरा इक्जाम्पलमा सिकाउनु भएको थियो। र ल टिचर एकदम क्याजुअल के भन्नु, अनुप सर ल टिचर कहिले पनि लागेन कि टिचर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दै थियो, आफ्नै साथीभाइ जस्तो मिलेर पढाउने भाइ दाजु जस्तै लाग्दै हुनुहुन्थ्यो। अरू सिन्हा सर त म्याथको एक्सपर्ट नै भन्दा हुन्छ होला, सिन्हा सरले हामीलाई धेरै कन्सेप्टहरू एकदम इजी नर्मल भाषा तरिकामा सिकाउनमा मद्दत गर पुर्याउनु भयो। र सिन्हा सरकै सबै टिचरहरू मिलेर हामीलाई इक्जाम कसरी दिने, मतलब इक्जामकोमा इक्जाम फोकस्ड स्टडिज गराउनु भयो कि त्यो चाहिँ मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। यहाँतिर मेन त हामीहरू आउन ज्ञान त हो तर मेन इक्जामको लागि हो नि, यो टपर्स क्लासेस चाहिँ यो इक्जाम फोकस स्टडिज गराउँछ, यो मेरो मान्यता। थ्याङ्क यू। एक मिनट, मैं बेसिकली इन्होंने नेपाली में बोला है, मैं जरा इसका हिंदी ट्रांसलेट कर दूं कि इन्होंने क्या क्या बोला है। इन्होंने शुरुआत वहां से करी थी कि मैं एक महीने लेट आया था और हमारे दोस्तों ने हमसे जिद करा था यहां पर आने के लिए, और उन लोगों के कहने पर हम यहां पर आए और फिर वहां पर हमसे भी ये मिले। और जितने भी टीचर हम लोग हैं इनके अनुसार इन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट किया। ऐसा नहीं कि जैसे अगर हम एक महीने लेट ज्वाइन किए हैं तो हमारा जो भी बैकअप है या जो भी डाउट्स है उसके लिए सारे टीचर ने हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है और काम किया है हमारे लिए। बेसिकली इन्होंने जो शुरुआत करी इकोनॉमिक्स से करी थी कि इकोनॉमिक्स में राकेश सर ने क्लास में इतने सारे टेस्ट लिए हमारे कि हमारी सारी प्रॉब्लम वहाँ पर दूर हो गई थी, हमें लग ही नहीं रहा था कि इकोनॉमिक्स में अब हमारे लिए कुछ है। फिर उसी तरीके से अकाउंट्स वाले सर जब हमारे पास अकाउंट्स पढ़ाते थे तो उन्होंने सारे एग्जाम्पल को ऐसे टुकड़ों में हंसते खेलते रुलाते इस तरीके से हमें समझाया कि वो सारे डॉट्स हमारे वहां पर क्लियर हो गए, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से करवाया। उसी तरीके से लॉ वाले सर, बहुत मेहनत उन्होंने करा, हाँ थोड़े से वो आराम आराम से करवाए लेकिन बहुत मस्ती से करवाया उन्होंने भी। और साथ ही साथ हमारे सिन्हा सर तो एक्सपर्ट हैं मैथ के, जिन्होंने हर कंसेप्ट को उस अनुसार उस अकॉर्डिंग करवाया ताकि हमारी सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाए और मैथ बहुत ही आसान हो जाए। बेसिकली टॉपर्स में जो हमारी क्लासेज हुई हैं वो हमें इस तरीके से करवाया कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कंसेप्ट कवर, सारे रिजल्ट हमारे वहां पर
अच्छे से कवर हो गए। तो बेसिकली इन्होंने यही कहा है, बस नेपाली में कहा, मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेट किया। धन्यवाद आप सबों का।